500-700 पॉइंट निफ्टी गिरा है या तीन चार पांच परसेंट निफ्टी गिरा है उससे डराया सबको लगा कि चलो अब ब्रेकडाउन आ रही है अब एक लग, बड़ा करेक्शन आ रहा है बट बाजार नीचे में संभल जाता है आई थिंक दिस लुक समथिंग लाइक दैट वैसे भी आप पिछले दस दिन का अगर एक्शन देखें तो मार्केट काफी एग्जॉस्टेड लग रहा था क्योंकि वो ऊपर की तरफ जब, जब जब जा रहा था तो सेलिंग प्रेशर आ रही थी नीचे की तरफ में थोड़ा बहुत डिमांड था और आज पिछले आधा घंटा में काफी वीकनेस हमने देखा ब्रेथ काफी खराब है बट आई थिंक ये एक है क्योंकि मार्केट एक ब्रॉड एक कंसोलिडेशन फेज चला गया है 24800, आई थिंक एक इमीडिएट सपोर्ट है इस बिहेव करती है वो डिसाइड और अगर वो ब्रेक करता भी है तो ट्वेंटी है. तो है. है वैसे भी ट्वेंटी फाइव फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड का हमारा सीलिंग था मार्केट बार बार उसके पास जा रहा था और वहां से करेक्ट कर रहा था ग्लोबल मार्केट इन जनरल ठीक है तो आई थिंक ये स्टैंडर लोन कलेक्शन ही लग रहा है इंडिया विक्स भी काफी नॉर्मल है और आई थिंक इस मार्केट में आपको स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक रहना है आपको क्वालिटी को एकदम छोड़ना नहीं है आई थिंक यू हैव टू बी इन टॉप क्वालिटी स्टॉक्स और वैसे भी हमारा इस मार्केट में अभी IT, फार्मा मेटल्स और और केमिकल्स है मुझे लगता है कि इन सेक्टर्स में ही काम करनी चाहिए और जो पुराने सेक्टर्स थे जो इतने अच्छे चले हैं पिछले एक डेढ़ सालों में वहां पर अब हम सेलिंग देख रहे हैं जैसे पीएसयू हुआ कैपिटल गुड्स ऑटोज हुए इंफ्रास्ट्रक्चर हुए वो सब सेक्टर्स से अभी दूर रहना है ओके okay, तो चलिए ये समय गौतम जी का व्यू गौतम जी आईटी क्या अभी भी सेफ हेवन है क्या आईटी में अभी भी आपको लग रहा है कि पैसा बनेगा यहाँ पर लॉन्ग साइड में देखिए आईटी मेरे हिसाब से एक नया स्ट्रक्चरल ट्रेंड में चला गया है अगर आप लार्ज कैप आईटी का सेटअप्स देखिए एच टेक टेक महिंद्रा टीसीएस इंफोसिस इतना अच्छा मूव रहा है पिछले एक डेढ़ महीनों में और अब लोग ये मान रहे हैं कि एआई विल बी एन एनेबलर एंड इट विल नॉट बी अ डिस्ट्रप्टर और उसके चलते आई थिंक इंडियन आई कंपनीज विल बी बेनिफिशरीज और अगर आप ओवरऑल मार्केट के कॉन्टेक्स में देखे या ग्लोबल कॉन्टेक्ट में देखे तो आई टी कंपनी उतनी रिचली वैल्यूड नहीं है एटलीस्ट द टॉप टॉपलाइन आई टी कंपनीज मिड कैप आई टी में डेफिनेटली अभी भी थोड़ा सा फ्रॉथ है तो वहां पर आप हर हर कुछ नहीं खरीद सकते हैं वहां पर भी सिलेक्टिव नाम है जो अच्छे लगते हैं बट ओवरऑल मुझे लगता है कि आई टी इंडेक्स विल बी एन फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर और मेरा मानना है कि यहाँ से भी बारह से पंद्रह परसेंट की अपसाइड आएगी तो ये जो मार्केट डिप आज हो रहा है इसमें आई टी खरीद में खरीदारी करनी चाहिए और सारे टॉप स्टॉक्स में बाइंग कर सकते हैं ओके मीन वाइल अभी गौतम जी से बातचीत हमने शुरू ही की थी कि निफ्टी अब अपने एग्जैक्टली ट्वेंटी डे एक्सपोनेंशियल एक्सप्लेशनवेज को छू के आ चुका है गौतम जी अब इस डिस्कशन में इंक्लूड करते हैं निफ्टी बैंक को लैक ऑफ बाइंग स्ट्रक्चर्स में उनके वॉल्यूम्स में प्राइस बिहेवियर में देख के क्लियरली विजिबल है आप लोग इस वक्त अपने आप को बैंक्स के लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं इस कलस्टर मूव को और पीएसयू प्राइवेट लार्ज कैप मिड कैप में आप लोग का व्यू क्या है इस वक्त देखिए अभी अभी शॉर्ट टर्म के लिए तो हम बैंक से दूर हैं क्योंकि बैंक्स में एक बुल बेर की लड़ाई चल रही है पिछले दो तीन महीनों से जब वो चलने की कोशिश करती है ऊपर में सेलिंग आ जाती है नीचे में जब वीकनेस आता है तो अच्छा सपोर्ट आ जाता है सो so एक लड़ाई चल रही है अंडर परफॉर्मेंस है जो टॉप स्टॉक्स है वो कुछ कर रहे हैं नहीं है अगर आप एच बैंक देखें तो एक ही लेवल पे है वो पिछले चार छह हफ्तों से एस अभी आठ के लेवल पे चल रहा है आईसीआईसी बैंक में थोड़ी बहुत अपटिक आई बट वो भी ऊपर की लेवल पे सस्टेन नहीं कर रहा है तो मेरा मानना है कि जब तक बैंक निफ्टी फिफ्टी वन को क्रॉस नहीं करता है क्लोजिंग बेसिस पे तब तक बैंक में अपॉर्चुनिटी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है बट इफ यूर

पहले क्रूड की बात करते हैं टेक्निकली क्रूड की ट्रेजिक्ट्री आपको क्या नजर आ रही है और अकॉर्डिंगली ऑन ऑल स्टॉक्स लाइक एशियन पेंट्स पेंटिट इंडिगो ओ क्या क्या व्यू चल रहा है आपका इस वक्त देखिए ऑयल इज एट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट पिछले छह से नौ महीनों में हमने देखा कि ऑयल का लोअर एंड ऑफ द रेंज द लेवल ऑफ सेवेंटी डॉलर इन नाइमैक्स और ऊपर का रेंज रहा है 90 टू 95 तो पिछले छह नौ महीने से ये अच्छे से 20 डॉलर के रेंज में चल रहा था और इंडिया के लिए बेस्ट होता है जब क्रूड एक रेंज में रहे और दुनिया के लिए अच्छा रहता है कि अगर अगर क्रूड एक रेंज में रहे और अगर ये $70 के नीचे आती है, आई थिंक डेवलपमेंट फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी उसके बाद हम एज अ चार्टिस आई कैन टेल यू आर लुकिंग एट डॉलर डिक्लाइन तो वो आई थिंक जो यूएस में वैसे भी रिसेशन के इतने टॉक्स है आई थिंक उसको ऑल फ्यूल कर जाएगा सो so, उसके चलते आई थिंक अब यहाँ से अगले सात दस दिनों में क्या होता है आई थिंक देखना पड़ेगा अगर सत्तर के लेवल से रिबाउंड कर गया तो चलिए सब कुछ ठीक है और हम वो सत्तर और नब्बे के रेंज में रहेंगे बट कहीं सत्तर के नीचे निकल गया तो आई थिंक दैट विल बी अ वेरी नेगेटिव डेवलपमेंट बट क्योंकि हम क्रूड के बारे में एक बात करें तो साथ साथ गोल्ड और सिल्वर के बारे में भी बात करना बनता है मेरे हिसाब से ये मेगा ट्रेंड है स्टॉक्स इसके चार्ट्स काफी अच्छे हैं गोल्ड तो 2500 डॉलर के आसपास इतना अच्छा से अच्छी तरह से सस्टेन कर रहा है मुझे लग रहा है कि 200 300 डॉलर की मूवमेंट और आ जाएगी और सिल्वर में भी 28 29 डॉलर्स में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है मुझे लगता है कि यहाँ से 20 से 20 25 परसेंट की मूवमेंट सिल्वर में आनी चाहिए जो मुझे इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस में नहीं लगता है ओके okay. अच्छा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन गौतम कहाँ पर आप इस समय सबसे ज्यादा बुलिश हैं और कहाँ पर आप अवॉइड कर रहे हैं देखिए जैसे मैंने कहा अभी हमारा पूरा फोकस तीन सेक्टर्स पे है एक तो आईटी टी जहां मुझे लगता है कि टॉप स्टॉक्स में अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो वहां पर डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए टीसीएस एच सी एल टेक टेक महिंद्रा तीनों के चार्ट्स काफी अच्छे हैं मिड कैप स्पेस में इ क्लक्स आई थिंक काफी अच्छा चार्ट है एल टी आई माइंट्री कोफोर्ज सब अच्छे चार्ट है मुझे लगता है कि ये सब अच्छे करेंगे फार्मा तो हमारा एकदम फेवरेट रहा है पिछले तीन चार महीनों से और मुझे लग रहा है कि डॉक्टर रेड्डी सन फार्मा सिप्ला एल्कम लैब्स लॉरेंस लैब्स सबके अच्छे चार्ट्स है और यहाँ से भी आ, तेजी देखने को मिलेगी एफ में आई हमारा फेवरेट रहा है काफी सालों से ना और मुझे लग रहा है कि 500 का लेवल अच्छा से सस्टेन कर गया है आईटीसी का और यहाँ से भी 15 से 20 परसेंट की मूवमेंट आनी चाहिए सो क्लियरली एफ भी है और दो दो डार्क हॉस्ट सेक्टर्स है जो हमें अच्छे लगते हैं देखिए हमारे सेक्टोरल पिक्स ज्यादा चेंज नहीं होते है। वो है मेटल्स और केमिकल्स सो मेटल्स में हम वेट कर रहे हैं नाइनटी लेवल का क्लियर होने का एक बार वो होता है तो मेटल्स में भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी बट स्टॉक्स लाइक जीएसडब्ल्यू स्टील जीएसपीएल सेल नालको आई थिंक ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इस लेवल्स पे बाइंग करनी चाहिए और केमिकल्स मेरे हिसाब से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है दीपक नाइट्रेड को देखिए uh, को देखिए एल्कलियामींस निकल के आ रहा है तो काफी केमिकल uh, स्टॉक्स uh, है जहां पर लग रहा है कि मुझे एक नई ट्रेंड बन रही है और रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छी है क्योंकि देखिए पच्चीस के निफ्टी पे रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा सेक्टर्स और स्टॉक्स में नहीं है तो उसके चलते आपको थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी ध्यान में रखना पड़ेगा कुछ भी आप खरीदारी करते हैं तो ओके चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए गौतम जी और इन सब स्टॉक सेक्टर पर बात करने के लिए बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें